हनुमान चालीसा आज संभाग स्तर पर महासंघ द्वारा उपनिदेशक कार्यालय में हमने हनुमान चालीसा का पाठ करके सद्बुद्धि देने के लिए हमने एक सभी लोग एकत्रित होकर आरटी और मान्यता संबंधी जो प्रकरण हमारे सामने उलझे हुए हैं उनका समाधान करने के लिए आज हम डीडी से वार्ता करने आए हैं। अगर हमें 15 तारीख तक आरटी का भुगतान नहीं किया तो आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हमने मान्यता में इन्होंने आवेदन पत्रावली जमा की, आज तक इन्होंने मान्यता भूमि रूपांतरण को लेकर और पीडब्ल्यूडी को लेकर इन्होंने मान्यता का प्रकरण अटका रखा है। आरटी का अभी तक 2017-18 का भुगतान नहीं हुआ, 18-19 का भुगतान नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। आज हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि या तो राज्य सरकार अपनी अधीनता को हर धर्मिता को छोड़ दे, अन्यथा राजस्थान की ये 40,000 स्कूलें जब आंदोलन पर उतर जाएगी तो आने वाले समय में ये सरकार खतरे में पड़ सकती है। आज हम मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि 3 दिन में आरटी का भुगतान संपूर्ण राजस्थान में कर दिया जाए, अन्यथा आंदोलन की राह महासंघ को करनी पड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा जी।